हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुकी है और अभी से उसे सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज चुके हैं। पता नहीं आज मेरी बहुत ज़्यादा जल्दी नींद खुली, नहीं तो मैं 9:30-10 बजे तक उठती हूँ, क्योंकि मैं रात में भी जल्दी सो गई थी डिनर वगैरह, क्योंकि मैं शॉपिंग करने की से पहले ही बना कर गई थी। और आज थोड़ा काम है, जो मम्मी के कल ड्रेसेस लेकर आए थे ना, उसके साथ के दुपट्टे नहीं लेकर आए थे, मतलब चुन्नी नहीं लेकर आए थे, और देखते कि वो लेने जाते हैं या नहीं। और मेरे फ्रेंड का सुबह मैसेज आया कि आज है ईद, मेरे तरफ से जो भी मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं आपको मेरे तरफ से हैप्पी ईद। और अब करते हैं दिन की शुरुआत, क्योंकि उठ चुके हैं जल्दी। पहले मैं लेकर जाऊंगी पीटो को वॉक पे, क्योंकि सबसे पहला मेरा वही काम होता है, पहले पीटो को फ्रेश कराने लेकर जाते हैं। गर्म पानी मैंने पी लिया है, तो अभी मैं सीधा आ गई हूँ ब्रेकफास्ट खाने, बाद में करती हूँ कुछ काम। रात वाली दाल के साथ खा रही हूँ। आज पता है पीटर के टॉय यहाँ पर सोफे पर क्यों आराम फरमा रहे हैं? क्योंकि पीटर का जो बेड था ना, वो गया टेरेस पे धूप लगने के लिए, क्योंकि जहाँ पर पीटर का बेड है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ होती हैं और पीटर के गद्दे पर चढ़ जाती है। मैंने पहले गद्दे को धूप लगाई और मम्मी से भी वाइट सीमेंट टाइल्स पे जो लगा था ना, वो वाला सीमेंट मंगवाया है, वो सब भर दूंगी और कीड़ियाँ फिर निकलेंगी नहीं, क्योंकि टाइल्स में शेक करके ना अंदर से कीड़ियाँ निकलती है, गर्मी का मौसम है। लेकिन पूरे उसके गद्दे पर, और वो गद्दे पर बैठेगा तो उसको ऑफकोर्स काटेंगी। तो मैं ना ये वाली कीड़ियों की बात कर रही थी, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो भी रही होंगी, ये पूरी पता लाइन वहाँ तक जा रही है और यहाँ पर गद्दा पड़ा रहता है, इसके लिए सीधा पीटर के गद्दे पर आ जाती है वो। तो बस मैंने पीटर के टॉय ना अच्छी तरह सजा कर रखे हैं, ये सोफे पर ये अच्छी तरह से आराम कर ले। और आज ना मैं लंच में कुछ भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज है संडे और भैया जाते थे जिम रेगुलर, और संडे को होती है छुट्टी, तो भैया का पनीर पड़ा था। मैंने बोला मैं और लीन खा लेंगे पनीर के परांठे, मम्मी के लिए तो रात की दाल पड़ी है, मम्मी और भैया दाल के साथ खा लेंगे। और बस अभी इतने से बर्तन धोकर आज मैं पूरा फ्री हूँ, क्योंकि यार संडे है ना, थोड़ा एंजॉय करते हैं। क्योंकि नहीं तो पता नॉर्मल दिन में क्या होता है, भैया जिम जाते हैं फिर भैया बोलते हैं चावल और पनीर बना के रखना, ये रखना वो रखना, और साथ में मैंने ना डिनर की तैयारी कर ली। आज डिनर में बन रहे हैं सफ़ेद चने, मम्मी ने मुझे वाइट सीमेंट ला दिया और मैंने पूरे अच्छी तरह से भर दिया। अभी देखते हैं इसको सूखने के बाद कि कितना पास होता है या फेल होता है। अभी इसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद पीटर का गद्दा रखूँगी मैं, फिर देखते हैं कीड़ियाँ निकलती हैं या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। व्लॉग तो दीदी ने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, मैं अब आई हूँ, उठ चुकी हूँ मैं कब के। और आज पता है इस लड़की ने छोटी सी गलती कर दी कि पीटर का पैर देख सकते हो कितने काले कर दिए हैं, क्योंकि ना कहीं पे ना रोड बन रहा होगा तो इसने ना पीटर को रोड पे ही चढ़ा दिया, और वो जो बजरी होती है ना तो वो पीटर के पैरों में चिपक गई है। अभी उसका ये डर भी है कि ये अगर पैर चाटेगा ना, इसके लिए वो चीज़ सही नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। दीदी ने 2-3 बार तो इसके पैर धो दिए बट वो नहीं निकल रही, अगर अभी भी नहीं निकली ना, दूसरी बार पैर धोए हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, शायद डॉक्टर के पास कोई चीज़ हो जिससे उतर सके, क्योंकि डॉक्टर के पास वैसे भी जाना था, पीटर का कैल्शियम ख़त्म हो गया है वो लेने के लिए। सो इसका भी चेकअप हो जाएगा और दिखा देंगे कि क्या है ये प्रॉब्लम। वैसे तो उतर जाए तो ऐसे ही अच्छा है, फालतू में क्यों डॉक्टर का कुछ लगवाएं। मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये बच्चा ये अपने टॉय के साथ खेल रहा है, अब ये धीरे धीरे इसके साथ यूज़ टू हो रहा है, शायद इसको ये पसंद आ जाए, आ गया लगता है। दोपहर का ना लंच हो चुका है, अभी हमें थोड़ा सा काम करना है। काम क्या करना है वो दीदी आपको बताती है। ले थोड़ा व्लॉग बना, मेरे को सिर्फ लंच का बोल लेके जा। और यहाँ पे भैया ऑर्डर करवा रहे हैं अपनी लॉन्ग सॉक्स। आपका डिनर भी बनना शुरू हो चुका है, तो मैं छोले उबलने रखती हैं और कितनी आवाज़ हो रही है हमारे घर में। और जो पीटर के गद्दे के साइड पे सीमेंट लगाया था ना वाइट कलर का, मैं उसमें पास हो चुकी हूँ, क्योंकि कीड़ी एक भी नहीं है। तो पहले हम झाड़ू पोछे एक बार लगा लेंगे, पहले हम एक बार झाड़ू पोछा लगा लेंगे, उसके बाद पीटर का बेड लेके आते हो टेरेस पे, क्योंकि 6 बज चुके हैं और धूप वैसे तो भी है, अभी भी धूप थोड़ी लगने, तो तब तक झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। अभी हम लोग पता है घर वगैरह साफ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दाग पड़ गए ना पीटर जो बाहर से लेके आए, उसको उतारने के लिए हमें चाहिए होगा ये क्या लिख रहा है मुझे पता है अच्छी तरह से पता नहीं है। गटर नहीं बनाते, गटर के साइड में जो बजरी लगाते हैं ना गिली गिली, मुझे पता नहीं लगा उस साइड न्यू गटर बना होगा तो उसके पैर पड़ गए, और उसके पैर वैसे सुबह से काफी ज्यादा साफ है, बट जो भी है ना वो टाइल्स पे लगाता जा रहा है, काले काले धब्बे ऐसे पूरे घर में चाटेगा, इसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहाँ पे देखो तीखा पर मैंने चीज दे दी है, पानी रखा है, पहले मैं उससे साफ करूंगी तीखे से, और ये पोछा लगा, और साथ में मैं डंडे वाला पोछा भी लेकर खड़ी हूँ, जैसे ही तो तीखा मार के उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। सो घर हमसे जितना क्लीन हो सका ना, हमने उतनी टाइल्स क्लीन कर दी है। ये देखो आपको कोई दाग नहीं दिखेगा, क्योंकि काफी मेहनत लगी है, तो काफी मेहनत के बाद इतना सा रिजल्ट आया है। अभी देखो जब तक पीटर के पैर से वो चीज नहीं उतरेगी ना, मतलब जो लगा है दाग, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे बैठा है ना, तो यहाँ पे भी इसने दाग लगा दिए हैं,
तो जब तक इसके पैरों से नहीं हटता तो हमारा पोछे लगाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, साफ़ करेगा कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी हमने इसकी सेफ्टी के लिए साफ़ किया है। सो अगर थोड़ा सा कम दाग होंगे चलेगा, बट उतने नहीं होने चाहिए, फिर ये चाट लेगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। हुआ कुछ साफ उस रूम से? हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये रहा पीटर का गद्दा जो कि हमने आज धूप में रखा था। और दीदी क्या कपड़े आप इग्नोर करना है, घर पे ना ऐसे कपड़े पहनती है कंफर्टेबल से, हर कोई इंसान ना कंफर्ट देखता है, तो इस लड़की ने भी अपना कंफर्ट देखा हुआ है। और पीटर के गद्दे को फुल धूप लग चुकी है और एकदम ये फूल चुका है, जैसे होता है ना गद्दे फूल जाते हैं गर्मी जितनी धूप में रखो, मॉर्निंग से रख के गई है। और मौसम की बात की जाए तो कुछ खास मौसम नहीं है, फुल धूप है, छाँव, शाम का वक्त हो गया है कि 6:30 बज चुके हैं। चलते हैं अब नीचे पीटर का गद्दा लेके सेट वगैरह करते, उसके बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, पता नहीं क्यों नींद सी आ रही है, क्या कर सकते हैं, नींद आ रही है तो आ रही है। कुछ कहेगी तुम ए धोबी घाट? किसका गुस्सा उतार रही है इस पर? नहीं मैं पता किसका गुस्सा उतार रही हूँ, मैंने मॉर्निंग में बताया भी था कि मैं और मम्मी जाएंगे आज, जो कल ड्रेस लेस लेके आए थे ना उसकी दुपट्टे ले रहे हैं चुन्नी, तो आज मुझे लगता नहीं वो काम हो पाएगा, इसके लिए मुझे गुस्सा आ गया। और पता है आज मेरा पूरा दिन झाड़ू पोछे में गया, क्योंकि मैंने कम से कम आज 4-5 बार पोछा लगा लिया, क्योंकि गलती भी मेरी है, बट मुझे पता ही नहीं लगा कि अब पीटर के पाँव बिगड़ गए, बस वो उतर जाए चीज़ तो भी सही है। तो फाइनली शाम की दिया बत्ती लग चुकी है, लग तो कब की चुकी है, ब्लॉग मैंने अब बनाया है, सो ये रही आप ही दर्शन कर लीजिए। और अभी फ्लावर्स अभी हरे भरे हैं ना, तो आज के दिन रहने देते हैं, कल उतार लेंगे, और कल पूरा मंदिर भी साफ कर देगी दीदी, दीदी कर देगी नहीं तो मैं कर दूंगी। और यहाँ पे बन रहा है डिनर टेस्टी सा, क्या बना रही है डिनर में, क्या चल रहा है? और ये इससे पूरा खचड़ा खचड़ा कर रखा है, क्या बना रही है? सफेद चने, चने 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 सफेद चने। मेरे डिनर वगैरह तो सब कुछ बन चुका है, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। और ये लड़की क्यों रेडी हुई है? मैं इसलिए रेडी हुई हूँ, पहले तो देखो हमारा कोई भी प्लान नहीं था, भैया का प्लान तो था कि आज मूवी देखने जाने हैं, थक गई थोड़ी, बट भैया का शायद प्लान था अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का, भैया बोले फ्रेंड्स तो नहीं आ रहे हैं तो अपने ही चलते हैं, तो हम मैं और भैया जा रहे हैं, मैंने इसको भी बोला था, बट ये क्यों नहीं गई? ये पता है पूरा अनप्लान मूवी देखने जा रहे हैं, मैं इसके लिए नहीं गई कि मम्मी बोल रही मैं इतनी रात को अकेली नहीं रहूंगी पीटर के साथ, क्योंकि मूवी देखने जाएंगे 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, पता है हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं, और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं थिएटर में जा रही हूँ, पता नहीं कैसा, मुझे वॉमिट की गोली दे देना, मेरे को वो सफोकेशन ना, मुझे बताना कि कैसा होता है थिएटर में माहौल। मैं व्लॉग बनाऊंगी अगर वहाँ होता है अलाउड, मुझे कुछ नहीं पता, भैया जा रहे हैं भैया को तो पता ही होगा, सो आप भी व्लॉग में मेरे साथ बने रहे और देखते हैं आज मूवी थिएटर। और ये रही मेरा लुक, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जेन्युइन रिप्लाई देना। और ये जो एयररिंग्स डाले ना, ये सिर्फ 40 रुपीस के हैं यार, एकदम मस्त 40 रुपीस के, वाओ। सो मुझे रेडी हुए पता है आधा घंटा भी हो गया, बट भैया लेट कर रहे हैं अभी, भैया शूज वगैरह पहन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं पूरा, नहीं ट्रेंड है, इट्स कॉल्ड ट्रेंड, व्हाई आर यू जेलस मम्मी? ऐसे ही होते हैं ना ये, मैं देख के लेके आई हूँ, मुझे पता है कैसा चलता है, अच्छा है, कंफर्टेबल है और कॉटन का है, हाँ ये न्यू ट्रेंड निकला है। और पता है मम्मी ऐसा बोल रही है कि थिएटर में कैसा होता है, 50-60 TV होते हैं, मम्मी स्क्रीन होती है बड़ी, थिएटर में गई नहीं ना, मेरे को पता है कैसा, हम लोग भी कभी नहीं गए, मेरा फर्स्ट टाइम है, फिर इस लड़की को भेजूंगी और देखते हैं कैसा रिव्यू होता है, क्योंकि मेरे पे मैं रिव्यू दूंगी कि कैसा क्या होता है, कि सफोकेशन होती है, मैं उल्टी की पता है अपनी गोली भी लेके जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है वॉमिट ना आ जाए, वैसा बोलते हैं कि कई लोगों को वॉमिट आ जाती है, सो निकलते हैं, रेडी हो चुके हैं, जल्दी आते हैं, देख के आते हैं। और हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं भैया? द पोप एग्जॉर्सिस्ट, हाँ सही बोला ना, हाँ हाँ बोलो इंग्लिश मास्टर, पानी पी रहे हैं, लेट हो गए हम लोग निकल गए और हमें मिला थोड़ा सा ट्रैफिक, बट वो ट्रैफिक जल्दी से ख़त्म हो गया था और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, बहुत तो नहीं मतलब 10-15 मिनट लेट हो चुके थे, फटाफट से भागे लिफ्ट में, फिर उसके बाद थोड़ा टिकट का काम था वो करवाया, एंड फाइनली पहुंच गए हम थिएटर में। ये देखो कितने ज़्यादा मूवीज़ के पोस्टर लगे हैं, और हमने पता एक पानी की बॉटल ली और एक ही पानी की बॉटल 60 रुपीज़ की, उसके बाद मेरा पॉपकॉर्न लेने की इच्छा थी, मर गई, मैंने कहा नहीं खाना है, चलेगा ऐसे फिल्म देख लूँगी। मेरा
फर्स्ट टाइम थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़िया रहा। सिर्फ एक बात हो गई कि हम लोग ना थंबनेल ले ही नहीं पाए। वहां पे मेरे को फोटो क्लिक करनी थी, भैया बोले पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। और मुझे इतना पता नहीं था कि जब आप लिफ्ट में चढ़ जाओ ना तो सीधा बेसमेंट में उतरते हो, तो बेसमेंट में तो क्या ही फोटो खींचू। तो थंबनेल अब मुझे कंफ्यूजन है कि थंबनेल क्या लगाऊं, वही लगा दूंगी जो दीदी ने घर पे क्लिक किया है। और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो ये बात का जरूर याद रखें कि थंबनेल आप ऊपर ही ले लेना, भले कैसी आए फोटो किसी भी पिक्चर के साथ ले लेना। मुझे पता नहीं था, तो मेरा फर्स्ट टाइम था तो इतनी मिस्टेक हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिल्म की बात की जाए तो मैं उसको 10/8 देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उस उतनी डरावनी लगी जितनी मुझे कॉन्जरिंग लगी थी, एनाबेल लगी थी। ऑन कॉन्जरिंग्स की सारी सीरीज ना A1 थी, बहुत जबरदस्त थी। ये भी फिल्म अच्छी थी, आप जरूर आके देखें। द पॉप एग्जिस्टेंस, अरे यार नाम ही नहीं आ रहा, मैं लिख दूंगी नीचे। अभी गए हैं भैया थोड़ा सा बाहर बॉटल लेने, और पता है वहाँ पे एक पानी की बॉटल कितने की, 60 रुपीज़ की। तो उसके बाद मैंने कहा कुछ खाना ही नहीं है भैया, वहाँ पे समोसा सब कुछ था। मैंने कहा नहीं चलेगा, ऐसे ही बैठ जाएंगे, 2 घंटे हमने कुछ नहीं खाया। अब रास्ते में देखते हैं कुछ खाते जाएंगे, और घर पे जाके मम्मी और दीदी को भी रिव्यू देती हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और कैसी लग रही हूँ। यार मैंने कहीं फोटो भी नहीं क्लिक करवाए, कुछ नहीं हुआ, मज़ा ही नहीं आया। देखती हूँ शायद कहीं फ़ोटो क्लिक करने का मिल जाए। तो हम लोगों को भूख लगी थी तो हम लोगों ने मंगवाया दाल पकवान, और सच में दाल पकवान बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सामने ये जो स्टॉल दिख रहा है वहीं से हमने लिया था, और रात के 1 बजे भी लोग देखो कैसे खाने आए हैं। मतलब सैटरडे नाइट को तो लोग 12-1 बजे तक निकलते हैं और मस्त खा पी के घर पे जाते हैं। बस हम लोग घर पे आ चुके हैं। आने के बाद मैंने मम्मी को पूरी स्टोरी बताई कैसे क्या है, और उसके बाद मैंने घर वगैरह साफ किया, पीटर का कूलर वगैरह भरा है। सो ये लोग डिनर वगैरह कर ले, उसके बाद सामान रख दूंगी, क्योंकि मैंने ना वहाँ से दाल पकवान खा लिए थे, इतनी कोई भूख नहीं है। मैंने कहा तुम लोग डिनर करके सो जाओ, मैं थोड़ी एडिटिंग वगैरह करने के बाद खा लूँगी, और मैं भैया साथ में खा लेंगे। भैया अभी गए हैं क्रिकेट खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भैया आएंगे 3:30 बजे, तो मैं उसके बाद ही खाऊंगी, भैया के साथ खा लूंगी। ये दो तो खा के सो जाए, मैं कह ली करूँ वीडियो का काम। तो वही पिक्चर वगैरह देख आई, और हलीम को पिक्चर कुछ खास लगी नहीं, बोलती इतनी ड्रामी थी नहीं जितना लोगों ने बताया था। कुछ होता है ना कि हलवा कर देते हैं कुछ चीजों का, तो वही तो हम लोग तो भाई कर रहे हैं सोने की तैयारी, और बच्चे आ चुके हैं अपनी जगह पर, इसका कूलर लग चुका है। और आज का ब्लॉग तो यूं ही एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक गुड नाइट फ्रेंड्स।